उन्हें जिन्हें तब्दीली की जी वो मैनू मेरी विचारधारा सारे जानते जोड़े सदियों पुराने आ रहे उन्होंने आप चेंज कर रहे हैं थाट चेंज करते हैं वो खालिस्तान तो नहीं बनया पर संगीत स्थान वखरा बन गया सिखा का। देखो बाबा सुच्चा सिंह जी संगीतकार नहीं से ना, उन्होंने उस्तादा ते गल छड़ी कि तुसी सारे स्वरूप निश्चित करो। इस तरह कुछ रागों बारे थोड़ी जी कंट्रोवर्सी सी। मारू राग दा रौला सी, मैं कि चलो एक बंदिश मैं सुनाना। वो बंदिश एक भाई करमार बाबी जिन्हां नाल मैं रहा जिन्हें गल की थी वो गांदे हुंदे सन। अज तुम सारे जानते हो जो तुम अज इंटरव्यू लैन आए हो तो गुरमत संगीत है ना, गुरबाणी संगीत करके है ना, इस करके तुहाडे अंदर एक उत्साह आया। इस तरह बाबा सुच्चा सिंह दे असी जिन्नी देण दे ही नहीं सकते, जो उन्होंने मेहनत की कल्ले तुरे सन फिर काफिले बन गए। उन्होंने उदम नाल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच उदम पवार जी वाइस चांसलर सर मैं कोल बैठा सी, डॉक्टर गुरनाम सिंह जी ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की उन्होंने, बाबा जी ने वो शुरू कराया गुरमत संगीत डिपार्टमेंट, उहदे विच बड़ा वड्डा योगदान से बाबा सुच्चा सिंह का। उस तो बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की यूनिवर्सिटी ने कॉलेजिस दे विच सिलेबस चले गए, साडे कोल सरूप आ गए, वख-वख संपर्दावां उस्तादां ने मेहनत की, गुरमत संगीत प्रति वचनबद्ध होए। ये बाबा सुच्चा सिंह दी देन नूं कोई भुला नहीं सकता। जे असीं देखिए ईमानदारी नाल इत्थे, इस करके नहीं कि मैं उन्हां दा बच्चा आ जां मैं उन्हां दा वो मेरे मुरशद ने तो मैं उन्हें तारीफ कराँ, हुंदा ना इस तरह, मैं बिल्कुल ईमानदार होकर गल करूँगा। बड़ी आलोचना आई उन्हों की कि इन्ना वड्डा पंडाल लगा लिया, इन्ना खर्च कर रहे ने, राग नूं तो कोई सुनता नहीं है ना, बहुत मुश्किल आई हैं जिहड़े उस समय उन्होंने साथी सन। असी तो नहीं सी, असी तो 94 च गए, 90 89 की गल है। उन्होंने बहुत मेहनत की गुरमत संगीत लिए, इन्नी मेहनत की कि 91 का समागम सब नूं अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन याद है, पर उहदे पिछे पहलां की होया किसी नूं याद नहीं। किन्नियां उन्होंने वड्डे वड्डे उस्तादां नूं लैके मीटिंग्स कीतियां। की हुंदा है कि मैं सुखवंत सिंह है ना, मैं एक राग क्रिएट करता, मैं कहा जी मैं राग बनाता है ना, मेरे शागिर्दां सारे ने मान लेना कि सुखवंत सिंह ने बनाया तो ठीक है, उस्ताद जी ने बनाया है ना। इस तरह पहला किसी सारे इंडिविजुअल उस्ताद सन, गुरमत संगीत का एक प्रॉपर स्वरूप साढ़े को नहीं आ रहा है, कोई किसी तरह गा रहा है, कोई किसी तरह गा रहा है। उस्ताद लोगों ने उस तो पहला भी राग गाए जाते सन, बड़े घराणेदार बड़े मतलब उस्ताद कीर्तनी सन जिहड़े क्लासिकल गाते सन है ना, पर बाबा सुच्चा सिंह जी ने उन्हां विद्वानां नूं आ फैसला नहीं किया। हालांकि भवरा साहब जी, जसवंत सिंह जी उत्थे हाजिर सन, प्रोफेसर करतार सिंह जी डायरैक्टर सन उदों साडी अकैडमी जदी टकसाल अकैडमी दे गुरशब्द संगीत अकैडमी दे, ते उन्हां ने फिर भी मतलब उस समय उन्हां ने मतलब होर उस समय दे चोटी दे उस्ताद पंडित दलीप चंद्र बेदी नूं अगवाई हेठ जिन्ने टॉप दे उस्ताद सन, थम सन उस समय संगीतक, उन्हां दी एक मीटिंग्स 25 दे करीब मीटिंग्स कीतियां, साइन पए ने जदी टकसाल सारे है ना, उन्हां तो फिर 31 रागों के स्वरूप फाइनल कराए। जदों जोधी तो कम शुरू होया ना, फिर 31 रागों का प्रचार ज्यादा आया, कोई शक नहीं है। बेदी साहब चेयरमैन सन, चेयरमैन सन, उन्होंने असं कंसल्ट करते आखिर जो राग कंट्रोवर्सी सन ना, वो अखीर उन्होंने साल ही सन, उ 80 तो उत्ते ही सन, पर उन्हों का वैसे डंका बड़ा सी ना संगीत की दुनिया, उन्होंने तो बहुत डंका रहा। ओ पटवर्धन गंदा विष्णु आइए कि गा रहा, उन्होंने बारे एक गल नहीं पटवर्धन नहीं गा रहे, इतने दे फगवाड़े दे एक सन मास्टर रतन, मास्टर रतन गा रहे सन, हाँ बहुत वधिया अच्छे सन, तो वह गा रहे सन, तो पता नहीं उन्हें पता नहीं बच की शुरू करता, ये काम मंदिर में जाके गाओ, यहाँ क्यों गाते हो, पता नहीं, पर खुद खड़े ही कहते यहाँ क्यों कर रहे हो, ऐसे बोलते सी पंजाबी सी। संगीत अध्यापक तो कीर्तनकार प्रिंसिपल रजिंदर सिंह लखनऊ, डॉक्टर जीत सिंह पेत्र, डॉक्टर तेजपाल, सुरिंदर सिंह बंधु, जैस बावरा भाई, बलबीर सिंह, प्रोफेसर बलदेव सिंह दिल्ली होंगे सन कीर्तन करते सर, प्रिंसिपल चरण सिंह मजबूर, प्रोफेसर परमजोत, भाई चरणजीत सिंह, भाई पृथ्वीपाल सिंह, तो मेरा नाम जोड़िया गया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश श्री गुरु साहब के सही स्वरूपों निर्धारित करना सी। इस कमेटी ने लुधियाने, दिल्ली,
महत्वपूर्ण बीजकों करके भगत सिंह के गुरमुख संगीत के ग्रंथों का सामने रख के सूप निश्चय किए। देखो मैं तो इस गल में थोड़ा जा इस करके थोड़ा जा अलग सोचना। मैं सुना भी जो राग है पुरातन आ रहे हैं, है ना, प्राचीन आ, बहुत प्राचीन। गुरमुख संगीत जड़ा है ये उम्र 550 साल 550 साढ़े 550 साल है ना, बाबे नानक जी तो शुरू होया। जिहड़े हुण कानड़े चलन डे आ जां बसंत चलन डे आ मलारां चलन डे आ वह इन्हां वखरे बनाते हुण। वह कहिंदे जे वह तानसेन की मलार सी साडे गुरु साहिब की मलार हो रहा। उदों तो मल्हार के कई प्रकार ने साढ़े, तो जिमें मियाँ की मल्हार सारी है तो उस गंधार शुद्ध लग गया, वो एक गुरमुख संगीत का निज रूप हो गया। असी कह सकते हैं गुरमुख संगीत का एक स्वरूप है। पूर्वी थाट गाना कोई गुनाह नहीं, राग तो कोई भी गाओ गुनाह नहीं। एक सानू स्वरूप निश्चित किया विद्वान लोगों ने जितने असी मतलब कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं होंगी उस तरह के हमेशा यह कहना क्या गलत ने है ठीक ने, है ना। उत्ते एक स्वरूप निश्चित किया उस्ताद लोगों ने किए हैं। वो जो जे यूनिवर्सिटी के राग है जो अं किए चलते आ रहे हैं शायत्री गायक गाँवते हैं उन्होंने तब्दीली की जी मैनू मेरे विचारधारा सारा जानते असं जिते करते हैं साढ़े उस्ताद साढ़े दादा उस्ताद जी मलार कराते काफ़ी थाट का मलार से, है ना। हूँ जो इतने चक्कर मैं सर ना गल की प्रिंसीपल साहब ने भी आप मलार करा दसो मेरी ड्यूटी लाती तुम पड़ताल तैयार करवा। मैं क्या दसो भी अपने कॉलेज वाली परंपरा वाला करवाना है कि जितना ज्योति टकसाल वाली परंपरा वाला। उन्होंने टोटली रिफ्यूज कहते नहीं अं अपनी परंपरा वाले करवा जो साढ़े इतने दादा उस्ताद जी साढ़े उस्ताद जी करवा रहे उसी कराया। मैं पूछा मैं कि किंतु परंतु ना हो तुम वो क्यों नहीं कराया। हूँ जो असं ज्योति टकसाल जाने सूँ उ गाँव पैना जो मल्हार उन्होंने बनाई है जो बसंत उन्होंने सू स्वरूप दे देना और ही बुरी दे देनी सू उस अनुसार गाँव पैना। असं चाहते भी जोड़े हर जगह राग जोड़ा चलता उ प्रवानित होना चाहिए। अगर मैं एम ए करनी मैं यूनिवर्सिटी जा कानड़ा सुनावगा जहाँ बसंत सुनावगा तो उन्हें कहना ये तुम कि कानड़ा गाँव के बसंत गाँव रहे हम जी प्रचलित बसंत वो सुनाओ, ठीक है ना। उत्तर मैं लगता जो मैं आखा जी नहीं ये साड़ी अपनी है जी तो खालिस्तान तो नहीं बनया पर संगीत स्थान वखरा बन गया सिखा का। जोड़े नवे राग बनाए मोस्ट वेलकम गुरु साहब ने बनाए बड़े अच्छे ने असं उन्होंने तो किंतु परंतु करते नहीं। जोड़े सदियाँ पुराने आ रहे उन्होंने आप चेंज कर रहे हैं थाट चेंज करते हैं ना। जो मल्हार का चलन काफ़ी थाट ना बनता वो दूजे ना नहीं बनता गा गंधार शुद्ध ला के। जो कानड़ा दैवत गंधार से वाइब्रेट करके होंगे वो दूजे कानड़ा जोड़ा इन्हें बनाया वो चो वाइब्रेशन होंगे नहीं। जने रे निजर दने पर मापद जड़ा उन्हें बनाया स
सारे मापने साने प मापग मारे देवत जिलास है ना दैट्स न्यू स्ट्रक्चर बिगैन फ्रॉम 1991 दिस रागस आर वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट देखो बाबा सुच्चा सिंह जी संगीतकार नहीं सी ना ना संगीत जान मतलब वो एक स्रोते सन वो एक साधु सन कमाई करते सन अपना मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन सी मैं हमेशा यह कहा कि हो सकता कि मैं सुखवंत सिंह मैं इतने जो फैसला करा इंडिविजुअल जी मैं संस्था का चेयरमैन जी मैं आ करना है ना उन्होंने इन्ने मतलब क्योंकि महापुरख होंगे बरीक ने उन्होंने उस्तादा तो गल छी कि तुसी सारे स्वरूप निश्चित करो मैं उत्थे हाजिर नहीं सी मैं जो सुनिया उन्होंने सारे तो सुनिया है ना जो राग निरय कमेटी बनी उस कुछ राग जिमें मल्हार उसे साडा गंधार शुद्ध लगता है ना उस तो बाद जो बसंत है वह बिलावल थाट का पंडित जसराज जी ने इनू गाया भी है मतलब आर बसंत कह के उस सारे स्वर शुद्ध लगते हैं है ना इस तरह तुखारी का थोड़ा सा ही मांड वर्ग आसा है ठीक है वो थोड़ा वक्कर आ जाता है थोड़ा सिंपल है इस तरह कुछ रागों बारे थोड़ी जी कंट्रोवर्सी सी कंट्रोवर्सी बचेरे सर माच फिर बसंत माच बसंत नटराय फिर प्रभाती मारू राग का रौला सी मारू राग पहलो अजे भी सिख बच्चा को बहुता प्रचलित नहीं सी मारू राग बारे निर्णय करना सी क्योंकि अकानवे विच गुआना सी अकानवे विच जो गुआना सी मीटिंग हुई दिल्ली चुप सारे मिकी की ताया है केड़ा रूप ले आ जाए मैं चलो एक बंदिश मैं सुनाना ब्याह कर देने मारू मैं सुना वो बंदिश एक भाई करमार बाबी जिन्हों मैं रहा जिन्हें गल की थी वो गाँवे होंगे सर जानो चतर सुजा जानो चतर सुजा जानो चतर सुजा जानो चतर सुजा पांच तत् को तन रचियो पांच तत् को जानो चतुर सुजान जानो चतुर सुजान पास जी पास हो गया पास हो भी यही जरा मारूंगी ना यही प्रचलित होएगा पेंतरू नहीं बैठे सन पेंतरू नहीं चले गए बेजी साहब को बेजी साहब तो एक सन बेजी साहब कानवे तो बाद चढ़ाई करते हैं वो भी एक पंजाब की एक वो हस्ती सी जिंदे लोग डरते जिंदे लोग डरते सन लो जी उन्हें क्या नहीं 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 ये नहीं मारू ये नहीं बेजी साहब ये नहीं मारू उन्हें गया आमने जान रहे हो आवाज तो कम दी सी उन्होंने कह लगे भी वो अमृतसर रहे ने बेटी साहब वो कह लगे भाई जो कोई गुजर जाता सी ना फिर रबाबी सिंह जे रबाबी सिंह नहीं रबाबी जे सन ना वो रेहड़ियाँ जी होंगे बनिया उन्हें साज रख के जाते होंगे सन शमशान भूमि तो शमशान भूमि फिर शब्द मारू का पढ़ते सन
मैं एक शब्द सुना, अवन जन बाबा, पता नहीं बाबा ही बोलते सा, बाबा अवन जन टप टकराया पुछ गया, टप टकराया पुछ गया, आपने जान अपन मैं भी एक फिटके, दो दाँ पे लगते हैं, दो वहाँ पे लगते हैं, दो निशाद पे लगते हैं, एक फिट समझो नाली बेजी साहब कहते पैने अपा पहला काटा बज गया, एक कैम हो गया, मुसीबत भी गाएगा कौन हूँ जी। तीन इतने तीन चार कीर्तन होए, मारू वाले को नेड़े आवे ना, चलो मैं भी जोर लाया, मैं मारू एक शब्द गाए, मुको कोई ना जानत, मुको कोई ना जानत, कैयत दास तुम्हारा, कैयत दास तुम्हारा, ए ओत अधारा, ए ओत अधारा, मुको कोई ना जानत।